नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को केपी स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से एक नई भर्ती जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, यह बता दें आपको, कांस्टेबल तथा एएसआई पद के लिए वैकेंसी है। फ्रेंड्स, कब से इसका अप्लाई होगा, कब तक इसका लास्ट डेट रहेगा और कब तक इसका एग्जाम होगा, ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और चैनल पर अभी तक आप नए हैं यानी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2020 के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन को मांगा गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसमें पोस्ट संख्या। तो आप यहां पे देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टोटल वैकेंसी जो है 8619 यानी 8619 है, जिसमें जो 50% जो है मेल एवं फीमेल के है। जो आप देख सकते हैं मेल के लिए इतना 4403 और फीमेल के लिए 4216 है पोस्ट, जो आप यहां पे देख सकते हैं मेल एवं फीमेल, तथा जोन भी यहाँ पर दे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो फीमेल और मेल दोनों, और पे स्केल जो है इसका रहेगा 21,700 मिनिमम, जो शुरुआती दौर में 21,700 रुपया रहेगा। एज लिमिट के बात करें तो 18 से 25 ईयर्स रहेगा, और यहाँ पे एससी एसटी कैंडिडेट को छूट भी दिया गया है 5 ईयर्स का, और ओबीसी को जो है 3 ईयर्स का छूट दिया गया है। यानी कि ओबीसी अगर 28 वर्ष का भी है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उसके बाद बात कर ले कि इसमें डेट ऑफ बर्थ के बारे में यहाँ पर दे दिया गया है, जो आप अभी देख रहे हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यानी मैट्रिक पास पर यह वैकेंसी है, अगर आप मैट्रिक पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो 500 रुपया जो होगा जनरल और ओबीसी के छात्रों के लिए, और एससी एसटी को 250 रुपया रहेगा। उसके बाद बात कर ले कि इसका इम्पोर्टेंट डेट। तो देखिए, इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या है कि या जून माह में आपको इसका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा, यानी कि जून महीना में। फ्रेंड्स, इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाके इसका देख सकते हैं। आपको जून माह में इसका अप्लाई डेट शुरू हो जाएगा, जून माह में इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा, और इसका एग्जाम आपको नवम्बर तक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।